Hello, my dear students. How are you all? I hope everyone is fine. तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्व द प्रॉब्लम स्टार्ट किया था, राइट? उसमें हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. सबको मैंने होमवर्क में दिया था कि क्वेश्चन सॉल्व द फॉलोइंग के क्वेश्चन आपको टू टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं. वैसे ही जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपने लिखा होगा अपनी नोटबुक में टू टाइम्स, वैसे ही आपको ये भी टू टाइम्स अपनी नोटबुक में लिखना है. ठीक है, डोंट फॉरगेट, टू टाइम्स लिखना है. एक बार सीखने के लिए, दूसरी बार बिना देखे. ठीक है, टू टाइम्स क्वेश्चंस भी टू टाइम लिखने हैं और आंसर भी टू टाइम्स ही लिखना है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग. हरेश हैड 35 लीटर्स ऑफ वॉटर इन अ बकेट. तो हरेश के पास 35 लीटर पानी था बाल्टी में, बकेट में. नरेश पॉर्ड 5 लीटर्स ऑफ वॉटर इन इट. तो नरेश ने आके क्या किया, जो 35 लीटर पानी की बकेट थी उसमें 5 लीटर पानी ऐड कर दिया. पॉर करना मीन्स डाल दिया. ओके, तो उसने, नरेश ने 5 लीटर पानी डाल दिया. नाउ हाउ मच वॉटर विल हरेश हैव इन द बकेट. तो अब हरेश के पास कितना पानी उस बकेट में होगा वो हमें बताना है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. वॉट यू हैव टू डू इज, पहले क्या लिखेंगे हम, 35 लीटर्स ऑफ वॉटर. ठीक है, पहले कितना पानी था बकेट में, 35 लीटर्स वॉटर इन बकेट. पूरा लिखना है. ठीक है, शॉर्टकट मत मारना कहीं भी, पूरा लिखना है. नेक्स्ट इज 5 लीटर्स ऐड किया गया, 5 लीटर पानी, वाटर, लीटर्स वाटर, पॉड. यहां पर पॉड वर्ड यूज किया है, या फिर आप अगर ऐड लिखोगे तो भी चलेगा, बट यहां पर अगर वर्ड दिया है तो हम वही वर्ड यूज करेंगे, पॉड बाय नरेश. ठीक है, क्या है, 35 लीटर्स वाटर इन बकेट पहले था, ठीक है, प्लस 5 लीटर्स वाटर पॉर्ड बाय नरेश. तो ये इतना पानी नरेश ने उसमें डाल दिया. अब टोटल करो, 5 प्लस 5 कितना होगा, यहां पर कैरी होगा. ठीक है, 5 में 5 ऐड करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0. कैसे, क्योंकि 5 प्लस 5 होता है 10. ठीक है, तो यहां पर 0 करेंगे और यहां पर कर देंगे कैरी, है ना. तो कैरी किया, 1 + 3 कितना होगा, 4. सो हियर आंसर इज 40. क्या है आंसर, आंसर इज 40 लीटर्स वॉटर लेफ्ट इन बकेट. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. यही क्वेश्चन आपको टू टाइम्स अपनी नोटबुक में करना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.